चलिए 1.1 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आई थिंक फोर्थ हो गया था कि फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया था सर। तो आइए 1.1 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, मतलब क्वेश्चन नंबर थ्री में फोर हो गया, थ्री में फिफ्थ हो गया था। थ्री में फिफ्थ हो, हम लोग थ्री में फिफ्थ हो गया तो मतलब फोर्थ से स्टार्ट, बराबर? हाँ सर। चलिए, तो स्टूडेंट यू शुड नो कि वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये सिखाएगा मैंने आपको। एक पूरा कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सिखा आपको मैंने। यस सर। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये आपको मालूम है, मालूम है आपको ये? यस सर। चलो, तो आइए फोर्थ का फर्स्ट क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री मिनट सेंस है। 183.7 डिग्री दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, बोल सकते हैं ऐसा? Yes, sir. मैथ्स क्या बोलता है कि जो भी आप डेटा लिखते हो अगर वन से छोटा है उसको नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करो। डिग्री से छोटा कौन होता है? मिनट्स। मिनट से छोटा सेकेंड, तो इस 0.7 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। अब पूछोगे कैसे, हम जानते हैं वी नो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, तो 0.7 डिग्री कितना मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 183 डिग्री, और ये कितना है 0.7 into 60, बराबर बोला मैंने, मिनट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 183 डिग्री, 0.7 into 6 मतलब 7/10 into 60, 0 0 कैंसिल, 7 6 42 42, समझा? Yes sir. 183 degree and 42 minutes. Right. चलिए, बोलो कोई डाउट? दर्शन, दिशा, कोई डाउट? ऋत्विक, पार्श्व? नो सर। यस, ठीक है। इसमें नहीं लगे। हाँ बोलो, फिर से बोलो, क्या बोलो बेटा? देखो, दिस इज अ डेटा दे हैव गिवन। नाउ द क्वेश्चन सेज इस एंगल को, डिग्री को डिग्री मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करो। तो मैंने इसको ऐसा लिखा, चलेगा बोलिए, एक्सेप्टेड? ये स्टेप समझा पहले ये बोलो। सर ये फर्स्ट लेक्चर है तो समझ में नहीं आ रहा है। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है? हेलो हेलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, नो इशू, नो प्रॉब्लम। क्या नाम, व्हाट्स योर गुड नेम? रोहित सर। रोहित सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, आई आपको मैं समझ। देखो बेटा, इन दिस चैप्टर शॉर्ट में आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ। इन दिस चैप्टर वी आर डीलिंग विद टू टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल। जैसे एंगल्स आपने देखा होगा, डिग्री में मेजर करते हो, रेडियन में मेजर करते, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, फिलहाल आपके सामने जो सम है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री मेजर।
अब आपको मालूम होना चाहिए कि हम जब एक रोटेशन करते पूरा एक रोटेट घूम के आते हैं तो हाउ मच डिग्री विच वी आर टर्निंग 360 डिग्री, ये समझ में आता है, वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री। हेलो रोहित, राइट ना रोहित ना, योर गुड नेम इज रोहित ना, हाँ, तो आपको ये समझ में आया कि पूरा कंप्लीट रोटेशन को 360 डिग्री बोलते हैं, बोलिए हाँ। अच्छा अब फिर हम लोग ने क्या किया, वन कंप्लीट रोटेशन को 360 डिग्री बोला, यस, जैसे मैंने इसलिए बता दिया, इट इज द वन कंप्लीट रोटेशन व्हिच इज कॉल्ड 360 डिग्री। मतलब मैंने क्या किया होगा, अंदाजे से मैंने इस पूरे को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होगा, वन डिग्री, फिर टू, थ्री, फोर, नंबरिंग दे दी, ऐसे करते 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 360 पार्ट्स हो गएंगे, एक्सेप्टेड। तो मान लो ये एक है, ये एक वन डिग्री है, इसको एनलार्ज करता हूं, वन डिग्री यहाँ पे एनलार्ज को। अब मैंने क्या किया, इस वन डिग्री को मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, फोर पार्ट, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 58, 59, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर, और हर एक पार्ट को हमने बोला हाँ श्रेया मैं करता हूं। तो अब हम लोग ने क्या किया, हर एक एक पार्ट को बोल दिया मिनट, वन मिनट, वन मिनट, वन मिनट, वन मिनट, वन मिनट, ऐसे कर दिया, कितने पार्ट है, 60 पार्ट। तो मतलब वन डिग्री इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मिनट, वन मिनट प्लस वन मिनट प्लस वन मिनट प्लस वन मिनट, हाउ मेनी सारी 60 टाइम, तो वन डिग्री इज 60 मिनट। आया समझ में, बराबर, वन डिग्री 16 मिनट। हेलो मुझे बोलिए, रेस्पॉन्स दीजिए। अच्छा वन मिनट इज 60 सेकेंड, ये तो आप जानते होंगे। Yes. ठीक, अब हमारा ये क्वेश्चन है कि हमको इस एंगल को डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करना, ये तो डिग्री है 183 डिग्री, ठीक है, इसको क्या कन्वर्ट करें, डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ऑलरेडी डिग्री है, पर ये 0.7 डिग्री है, तो इसको नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री से छोटा कौन होता है, मिनट, मिनट से छोटा सेकेंड, तो हम इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वन डिग्री 60 मिनट, तो 0.7 डिग्री कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने स्कूल में सीखा है, तो 0.7 इंटू 60 कर दो, देखो 42 आंसर आएगा। बोलो आप समझ में आया, हाँ सर। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इज आई थिंक मुझे किसी ने चैट सेक्शन भेजा है कि होमवर्क का डाउट है ना, क्लियर करता हूँ, दो मिनट रुक जाइए, सब कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपका होमवर्क का डाउट। 245.33 डिग्री, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 345 डिग्री तो ऐसे थे, अब मुझे जो डिग्री वो किसमें कन्वर्ट करने का है, मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे, 0.33 इंटू 60 कर देंगे, तो अपने आप मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 245 डिग्री। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ, 0.33, देखो 0.33 इंटू 60 कैसे करेंगे, 33 डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो 100 आ जाएगा, इंटू 60 00 का 245 डिग्री 19 मिनट, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, 0.8 मिनट्स। हमने क्या सीखा है, जो भी डेटा वन से छोटा आएगा उसको नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देने का, मिनट से छोटा तो अपने पास एक ही है, कौन, सेकेंड, क्योंकि मैथ्स कोई पसंद ही नहीं है वन से छोटा, 0.8 मिनट मजा नहीं आता उसे, छोटा यूनिट में, तो अब मिनट से छोटा क्या होता है, सेकेंड, तो वन मिनट कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, तो 0.8 मिनट के लिए क्या करेंगे, 0.8 इंटू 60 कर देंगे, ये हो जाएगा 8 अपॉन 10 इंटू 60 00 86 48, ये आ जाएगा 48 सेकेंड। बोलो समझ में आया,
हाँ तो आंसर आ गया 245 डिग्री। हाँ बोलो जोर से। थर्ड स्टेप मतलब ये हो गया टेट, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ समझ में आया, ये वाला स्टेप समझा? हाँ सर। ये वाला समझा? हाँ सर। अच्छा ये कैसा, अब ये पूछ रहे हो ये कैसा है, बराबर? हाँ सर। देखो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर, उसके बाद वाला नहीं समझ में। अच्छा तो मतलब आपको ये वाला स्टेप समझ में आया? यस सर। अब 19.8 को ब्रेक कर सकते हैं, 19 मिनट एंड 0.8 मिनट ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। बोलो ये स्टेप समझा पक्का? हाँ हाँ सर। अब हमने क्या सीखा मैथ्स में कि जो भी डेटा वन से छोटा होता है, ये 0.81 से छोटा है, उसको नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट में बताओ, नेक्स्ट मिनट से छोटा कौन होता है बताओ, मिनट से छोटा कौन होता है? सेकंड। तो 0.8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? देखो 1 मिनट 60 सेकंड, आइए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रुक जाइए, 1 मिनट 60 सेकंड। तो 0.8 मिनट कितना, याद है ना ये मेथड, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते, याद है? हाँ सर। तो 0.8 into 60, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कैलकुलेशन 0.8 into 60। बोलो ये समझ में आया, ये जीरो कैसे है मालूम पड़ा? हाँ। तो डेसिमल हटाया, जीरो है, 0.08 6 40। बोलो अब समझा 48 सेकंड कैसे आया? हाँ सर। तो, हाँ सर, थैंक यू सर। आप लोग ने कॉपी कर लिया ये सब, आगे बढ़ू? बोलिए कॉपी कर लिया सर? एक डाउट है। बोलो सर, -500 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में? -5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? थर्ड। देखो माइनस है तो कैसा घूमना चालू करोगे, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज स्टार्ट करो, जीरो से लेके यहाँ कितना हो गया? 360। अभी माइनस को भूल जाओ, माइनस को करें डायरेक्शन को, अब 360 में कितना ऐड करें कि 500 बन जाए? 140। तो उसके लिए कितना करना पड़ेगा? माइनस, तो 0, 10 - 6 = 140। तो 140 करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ तक, मतलब कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर आएगा, यह समझो? हाँ सर, मेरा भी यही आया, पर पीछे आंसर सेकंड क्वाड्रेंट दिया है। तो गलत है। ओके सर, बहुत मिस्टेक है, टेंशन मत लो, सरकारी बुक है ना, मिस्टेक बहुत। चलो समझ में आ गया सबको ये? Yes, sir. आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर। नाउ थर्ड सम, थर्ड सम में क्या लिखा है? 1/5 radians। नाउ द न्यू वंस, जो भी न्यू है उनको थोड़ा समझेगा नहीं, क्योंकि रेडियन उन्होंने सीखा नहीं है, आपको मैं समझा देता हूँ। बेटा रेडियन इज अ वन टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ सिस्टम, जैसे डिग्री होता है वैसे रेडियन। अच्छा रिलेशन क्या है रेडियन और डिग्री में आपको बताऊं? अच्छा दूसरा, हेलो मैं आपको ना प्लेलिस्ट भेजू, श्रेयस आप ये कौन सा सेट कर रहे हो, सेट किस सम बेटा, मैं समझा नहीं। हेलो श्रेयस। यस सर। हाँ क्या बोल रहे, आपने क्या पूछा, सेट मतलब कौन सा सेट, समझा नहीं सर, मतलब ये सम कर रहे हो कौन सा? ये आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है? यस सर।
गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में मैथ्स पेपर वन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड आपके क्या वो नहीं मिला आपको पेपर वन बेटा यस सर मिला। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग ने जो एंगल मेजरमेंट है ना 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो भी सम्स किए थे लास्ट टाइम उसमें सब डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे पास वीडियोस है, हमने बनाए हैं, प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको मैं आज एक ग्रुप में भेज दूंगा प्लेलिस्ट। हां तो जिन जो रोहित यू आर अ न्यू वन ना आज आपका फर्स्ट लेक्चर yes. Yes, आप ना आराम से वो प्लेलिस्ट देख लेना, उसके बाद आपको सब कुछ जो भी आपको मैंने ब्रीफ में बताया उसे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, देख लेना तो आपको सब समझ में ओके। अच्छा भूमि अच्छा इट इज भूमि की भूमि इफ माय प्रोनाउंसिएशन मे बी रॉन्ग आई एम सॉरी फॉर दैट इट्स अ बी ओ डब्ल्यू एम आई ओके भूमि ओके बेटा अच्छा भूमि अच्छा ओके दो ठीक है भूमि ओनली ठीक है बेटा। तो आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा बेटा, आप ना प्लेलिस्ट में देख लेना मैं आपको भेजूंगा, खाली अब आपको बस लिंक दबाना है, अपना यूट्यूब ऑन हो जाएगा सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू, तो आपको सब कुछ सब आ जाएगा तो टेंशन मत लीजिए बिकॉज एवरी टाइम वी आर डूइंग रिकॉर्ड। जैसे आज भी देखो मैं रिकॉर्डिंग चालू है, मान लो कभी आज कोई स्टूडेंट नहीं आया बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू प्रॉब्लम कुछ होता है तो वी आर गॉट अ गाय दिस वन हम लोग अपलोड कर देते विदिन अ डे और टू हम लोग अपलोड कर। आइए बैक टू बेसिक, अगर ये सिंबल किसका है रेडियन का, ये सिंबल किसका होता है डिग्री का, अगर आपको रेडियन से डिग्री बना है तो लॉजिक ध्यान रखना, खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ, रेडियन से आपको डिग्री बनाना, अब क्यों डिग्री बनाना है क्वेश्चन में बोला हुआ डिग्री बनाने के लिए डिग्री मिनट सेकंड, अगर आपको रेडियन से डिग्री बनाना है बताइए ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने मेरे फर्स्ट दो लेक्चर अटेंड किए मालूम है हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री इनटू 180 बाय पाई 180 बाय 180 बाय पाई वेरी गुड क्या मल्टीप्लाई करने का है 180 बाय पाई बेटा ध्यान रखना न्यू वंस इसमें क्या मल्टीप्लाई करने का 180 बाय पाई बाकी तो सब समझ में आ गया बोलिए पाई कौन है अरे पाई अपना वही पुराना पाई जिसका वैल्यू 22/7 या 3.14 तो ये रेडियन से मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लाई कर दिया 180 अपॉन पाई से अब इतना सफिशिएंट नहीं है क्यों मुझे पाई का वैल्यू लिखना पड़ेगा क्या 22/7 लिख दिया मैंने पूरा डिग्री का अब आपको मैथ्स मालूम है ये 7 कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में तो 1/5 × 7 × 180/22 डिग्री अब 2 से करते 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 11 टाइम्स 2 90 टाइम्स 5 से कर सकते हैं 5 1 टाइम्स 5 1 6 7 8 8 टाइम्स राइट अब नीचे आ गए 11 फिर 7 × 56 5 करें 7 बाय 12 126 बोलो करेक्ट लिखा है हेलो स्टूडेंट या तो कोई डिफिकल्टी बोलो सर अगर आपको एग्जाम में आता है तभी वो दिस हेलो सोम आई थिंक आपका प्रॉब्लम है माइक में बेटा हेलो सोम आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है माइक में बेटा प्लीज जरा थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर मतलब माइक म्यूट कर सो आई थिंक यू आर टॉकिंग तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा रुझान सुनो हाँ बोलो कैन यू एक्सप्लेन दिस सर अगेन हाँ श्योर क्या कर बेटा अगर इस रेडियन को किसमें कन्वर्ट करने का डिग्री में तो रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना है बेटा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या कन्वर्ट करने का अच्छा हाँ दूसरा एक और बात है जो वीडियोज है ना वो हमारा जो बैक ऑफिस स्टाफ है जो टेक्निकल स्टाफ है उसने थोड़ा सा एक एरर हो गया है उसने क्या किया है लेक्चर 2 को लेक्चर 1 कर दिया और लेक्चर 1 को लेक्चर 2 ऐसे 3 ऐसे कुछ ऊपर नीचे कर दिया समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है कि नहीं नंबरिंग में ऊपर नीचे जरा सा चीज हो गया हेलो समझा यस सर तो जब आप देखोगे तो आपको अजीब लगेगा तो नेक्स्ट पे चले जाओ फिर नेक्स्ट पे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड है आप
अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अच्छा करेक्ट। अच्छा नाउ स्टूडेंट, रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाने का है, रेडियन मेजरमेंट होता है, यूनिट मेजरमेंट, आपको डिग्री में जाने का है, तो लॉजिक इज मल्टीप्लाई द गिवन डेटा विद 180 अपॉन, तो ये समझा बेटा आपको मल्टीप्लाई करने का। फिर मैंने पाए का वैल्यू डाल दिया, ये आपको आई थिंक सब मालूम है, आई थिंक ये कैलकुलेशन भी समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? यस सर। ये 7 ऊपर गया, फिर 2 से किया, आई थिंक ये रिड्यूस तो आपको आता है अपने स्कूल डे नंबर ऑफ टाइम की। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हाँ, अब ध्यान से सुनो, अगर एग्जाम में ऐसा आता कन्वर्ट द रेडियन टू डिग्री, तो यहाँ पे स्टॉप कर, बस स्टॉप कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस समय बोला कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स, तो आपको स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, फिलहाल आपको डिवाइड कर, चलिए डिवाइड करते हैं, 11 इंटू 1, 12 माइनस 11 1 6, 11 1 टाइम्स 5.0, 11 how much 44 6 0 11 5 5 0, I think वापस वही आ रहा है ना, बार बार ये आ रहा है ना? Yes sir। इसको मैं सब लिख सकते 11 point। अब देखो 4 5 4 5, तो देखो अगर ये 5 है तो राउंड ऑफ करते जाओ, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा राउंड ऑफ में, 5 मोर देन 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ये हो जाएगा 6, तो आई कैन से 11.46, ये आ गया डिग्री। पर हमको ये आंसर तो नहीं चाहिए, हमको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 11 डिग्री प्लस 0.46 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा 11 डिग्री प्लस, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू मिनट्स मल्टीप्लाई में 60 मल्टीप्लाई कर 11 डिग्री प्लस 0.46 इंटू 60 मल्टीप्लाई करो, चलो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 46 अपॉन 100 इंटू 60 जीरो जीरो कट 36 376 37.6 मिनट्स। अब वही बात हो गई, हमको 37 मिनट तो अच्छा लगता है लिखते समय, 37 मिनट्स 0.6 अच्छा नहीं लगता है, हम लोग क्या करेंगे 37 मिनट लेकर 0.6 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर वो 27.6 आएगा ना सर, वो 276 आएगा ना सर, एक मिनट मैंने गलती किया सर, हाँ हाँ बराबर बराबर बराबर, मेरे से गलती हो गई, सही है, गुड ऑब्जर्वेशन, मेरे से गलती 27.6 सही बोल, ट्वेंटी सेवन 0.6 into 60, तो ये आंसर आ जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट। अब 0.6 into 60 तो आई थिंक आपको पूरा आता होगा, 6 upon 10 36 very good 36, ये अपना आंसर। बोलो समझ में आया? Yes sir। रोहित समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes sir। और डिटेल में आप है ना मेरे वीडियोस देख लेना, टेंशन मत लेना, चाहिए तो मैं देखो अभी ग्रुप में डाल दे, तो मेरे पास है, जब तक आप कॉपी करो मैं ग्रुप में डाल।
सर बोलो बोलो सर व्हाट वाज दिस यूट्यूब लिंक फॉर क्या हुआ समझा नहीं सर व्हाट वाज दिस यूट्यूब लिंक फॉर हाँ बेटा आप जैसे इसमें क्लिक करोगे ना तो मैंने एंगल मेजरमेंट के इसमें ना अभी जो मैं जो फर्स्ट चैप्टर सिखा रहा हूँ उसमें सब है ना आप इसको ना क्लिक कर दो सब्सक्राइब कर दो तो आपको जो जो मैं आपको ये चैप्टर सिखाता जाऊंगा उसके साथ अपने यूट्यूब जाते जाएंगे गलती से कभी आपने कोई मिस कर दिया नेटवर्क इश्यू हो गया बीमार हो गया कोई इश्यू हो गया तब आराम से जो भी हमने लेक्चर आज डिस्कस किया सब इसमें आपका आपका मतलब प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना इसलिए और जो जो है ना तो आप समझो आपने कुछ हमें सिखा रहा अच्छा मैं आपका नेटवर्क चला गया और फिर अपना लेक्चर है फिर आपको और याद आया अरे क्या करने का सोचा तो जाके अपना वीडियो लिंक दे ओके सर है ना फायदा हो जाएगा तो अभी फिलहाल इसमें देखो तीन वीडियोस आपको देखेंगे तीन वीडियो जो पूरा चैप्टर और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक आई थिंक मैंने कवर किया है हाँ सर तीन वीडियो सर हाँ तो खाली वो वीडियो में ऊपर नीचे हो गए गलती से थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया लेबलिंग कर देंगे जो वीडियो लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 आपस में वो नंबरिंग में इंटरचेंज हो गया तो आप लोग गूगल करके चेक करके देख लो रोहित आपको मिला हाँ सर और ये भूमि भूमि बेटा आपको मिला देखो मैंने उसमें भी लिंक भेजा है तो इसको ना अपना सब्सक्राइब कर लेना तो जब जब मेरा प्लेलिस्ट आता रहेगा ना सब उसमें नए नए आपको मिलता है ठीक है चलिए ओके ओके ठीक है आगे बढ़ू मैं यस सर कॉपी हो गया बढ़ू किसी को डाउट है बोलिए डाउट वाउट है तो बोलिए बोलिए स्टूडेंट डाउट बोलिए सर प्रॉब्लम नहीं हाँ बोल बेटा सर ये हम लोग जब सब में ये प्लस का साइन यूज करते हैं तो फिर वो यूज करना स्टॉप कब करना है मतलब ऐसा नहीं है नहीं वो तो मैंने हाँ समझे समझे मैंने यहीं स्टॉप कर दिया ले कुछ फर्क नहीं उससे कोई फर्क नहीं वो अंडरस्टूड अगर आप यूज करोगे अच्छी बात नहीं करोगे तो भी चलेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा मन है सब में लिखने का ले लिख देता बस ठीक है ना कोई थैंक यू हाँ 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 श्रेया सावन बेटा आपने इसमें लिखा है सर उस वीडियो में एंगल कैसे ड्रॉ करना है वो भी है ना हाँ बराबर है बेटा थिंक है चेक कर देख लेना ओके सर नहीं रहेगा तुम मेरे से पूछ रहे मैं बता हाँ सर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा हाँ बोलो अभी श्रेया आई थिंक आपके कुछ डाउट्स थे ना बेटा बोलो आपने मुझे कुछ लिखा था कौन से डाउट थे बोलो सम नंबर हाँ सर क्वेश्चन नंबर 1B में 6 8 9 और 10 एक मिनट 1B में हेलो स्टूडेंट मैं 1.1 का वही एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1B का 6 8 8 9 10 9 अब सिक्स में कितना एंगल बनाने का है तो 1120 आपको दिक्कत आती होगी ना तो चल इसका एक शॉर्टकट सीखो आपको कितनी बार घूमने का आपको ये दिक्कत आती होगी ना हाँ सर हाँ तो देखते हैं अच्छा एक कभी भी ऐसा कुछ होगा ये तो तेरे को मालूम है पक्का हो गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने का इतना तो मालूम है तेरे को हाँ सर वो सब पता है ठीक है तो क्या करने का बेटा 1120 को ना पहले 360 से डिवाइड करने का 360 1 जा 360 2 जा कितना होता 720 363 जा 0 36 3 जा 18 16 into 3 18 का 8 कैरी 1 9 1080 बोलो बराबर समझा हाँ सर ये 0 12 -8 बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं हाँ सर हाँ अब इसका मतलब क्या इसका मतलब ये क्या बता रहा मालूम है इसका मतलब हो गया रोटेशन और ये अपने को बता रहा है एंगल मतलब अब ध्यान से देखो
अब मुझे कितना रोटेशन लेने का है एंटी क्लॉकवाइज, 3 रोटेशन, ए दो 3, बोलो समझ में आया? हेलो, हाँ सर। अब उसके बाद मुझे ये एंगल, उसके बाद कितना एंगल लेने का है, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री क्या आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, क्या आ जाएगा, बराबर है 40 डिग्री यहाँ से आप तक कहीं, यस सर। तो अब लिख देने का एंगल का नाम क्या, 1120। अब बता ये जो मेरा रेड वाला टर्मिनल आर्म है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, बता मुझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ तुम लोग लिखेंगे एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोलो समझ में आया। अभी 8th वाला, 8th में क्या है बताओ, -330। अब इसको इस मेथड से नहीं कर सकते हैं 360 से, क्यों, क्योंकि ये तो 360 से छोटा है, तो इसको कॉमन सेंस वाले मेथड से, सिंपल है, कैसे देखो माइनस है, माइनस है तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बेटा माइनस है तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज स्टार्ट करते कितना, 330 स्टार्ट कर, 0, 90, 180, 270, बोलो यहाँ तक बराबर है, 270 तक, बोलो बराबर है, देखो जीरो। अब बता माइनस को भूल जा, माइनस तो खाली रोटेशन पे, अब बता 330 अपने को एंगल चाहिए, हम लोग 270 डिग्री तक पहुंच गए, तो 270 में कितना ऐड करूं कि 330 हो जाए, सोचो। तो अगर आप लोग नहीं समझते, तो नहीं समझते ना बेटा, तो इन दोनों को माइनस कर लेने का रफ शॉर्टकट, 0, 2, 13 - 7, 6, कितना आंसर आया, 60, मतलब 0, 90, 180, 270, अब 270 में कितना ऐड करेगी, वो आ जाए 60, ऐड कर 60, ये 60 ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना कि नहीं, पे सब पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, यहाँ पे बोथ नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, याद नहीं पढ़ा आप लोग ने कि कट था, नहीं पढ़ा है पर एक फर्स्ट क्लास है ना तो थोड़ा हो रहा है, अच्छा, तो डाउट जैसे, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग को मैंने सिखाया नहीं ना। हेलो निवान पांचाल, आपका ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर है ना, कोई बात नहीं है, मैंने देखो लिंक भेजा है ग्रुप में, आप ग्रुप में हो कि नहीं हो पहले बताओ, तो देखो मैंने इसमें लिंक भेजा है, तो अपने सब वीडियोस देख लेना, वो खाली वीडियो ऊपर नीचे हो गए, मतलब लेक्चर 2 का गलती से लेक्चर 3 नाम हम लोग ने गलती से दे दिया होगा, हमारा टेक्निकल स्टाफ से गलती हो गई होगी, तो आप ना सब देख लेना, उसमें सब कुछ है, एंगल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब कुछ है। देखिए आपको मैं बता, देखता हूँ आपको बता दो कौन सा फर्स्ट वीडियो कौन सा सेकंड, 2 मिनट। एक मिनट,
हेलो आवाज आ रहा है? हाँ सर। अभी ना मैं वो करता हूँ, अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिससे आपको बता देता हूँ। एक बार उसके पहले मुझे एक मिनट को पूजा क्या करना बेटा। आपको दिख रहा है? आप लिखोगे एंगल AOB इज इक्वल टू 35। हेलो आपको दिख रहा है? हेलो आवाज भी आ रहा है? आवाज भी आ रहा है? देखो ये वीडियो राइट। अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे 135 डिग्री, तो सेम मेथड तो भी स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के बाद 100, 120, 130 अंदाजे से ना एक्चुअल का होगा। तो ये यहाँ पे गलती से लोग ने आई थिंक लेक्चर का नाम क्या रखा है, देखो लेक्चर 1.2 ये। हेलो स्टूडेंट आवाज आ रहा है मेरा? यस सर आ रहा है। तो ये लेक्चर है ना, हाँ तो ये लेक्चर वन का ये टू कर दिया है। ये टू नहीं ये वन एक्चुअली। पहला ये देखने बाद में ये देखते हैं ये क्या है। हाँ तो ये भी आप देख सकते हैं, डिग्री से रेडियन 15 डिग्री पाई बाय टू, क्या किया 15 × π/180 × π/12 है। 30 डिग्री में क्या करेंगे, मैं वापस समझा रहा हूँ, 30 × π/180 × 0.31 × 6 × π/7 2π। तो ये सब आप देख लीजिए। देखो ये 85 डिग्री, एग्जाम्पल से भी समझा ठीक है ना। देखो 85 डिग्री, 5 से करते 5 हाउ मेनी टाइम 17 सर 17 पाई बाय 5 × 3 = 15, 36 36, 17 पाए, डिवाइड नहीं करने। समझ में आया सबको? यस सर। चल 250। हेलो बोलो स्टूडेंट समझा? यस तो ये वीडियोस है आप देख लेना, तो आपको कोई टेंशन नहीं ठीक है। ओके थिंग्स आर क्लियर ना, क्या देखना है संभालो में ना अभी बोलो अभी। हेलो अभी और क्या बेटा पूछ लेते हैं आपको, -330 हो गया ना, अब क्या चाहिए? माइनस फाइव। तो क्या करेंगे, पहले 500 को डिवाइड कर देंगे, कितना 360 वन टाइम 360 कितना बचा 10 − 6 = 140। लेकिन ये माइनस है तो आप सोचो रोटेशन क्या आएगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज माइनस है। तो स्टार्ट करो पहले ये ऊपर ये नंबर जो आता है उसका मतलब क्या होता है, रोटेशन शॉर्टकट, ये मतलब अपना एंगल। तो कितनी बार घूमने का है, क्लॉकवाइज एक बार घूमने, चलो घूम के आ गए। अब कितना एंगल चाहिए 140, तो यहाँ से 0, 90, ये 180 होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं आ रहेगा। बोलो समझ में आया?
हाँ सर। अभी कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? थर्ड कोऑर्डिनेट, बराबर। अब लास्ट वाला टेंथ है, टेंथ क्या है? माइनस एट ट्वेंटी, माइनस को भूल दो, पहले 820 करते हैं, डिवाइड बाय 360 शॉर्टकट, 362 जा 720, 100 स्टॉप कर देते हैं, ये मतलब रोटेशन और ये मतलब एंगल, और माइनस है तो कैसे घूमेंगे हम लोग? हम लोग घूमेंगे क्लॉकवाइज, कितनी बार चक्कर मारना है? दो बार, एक चक्कर, एक और चक्कर, चलो दो बार हो गए, उसके बाद कितना? 100, तो 0, 90, 100 के अंदाज से यहाँ पर आएगा, क्या कितना हो गया? -820। ये भी कौन सा क्वाड्रेंट आया बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू। कुछ कॉपी करना है कि आगे बढ़ूं मैं? बोलो। नहीं सर, मैंने किया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए स्टूडेंट, जो न्यू वंस है, रोहित हैं, भूमि, उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको डिग्री से रेडियन में तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपको रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, तो रेडियन को मतलब यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करोगे? डिग्री को, यहाँ पे रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल एबीसी, इट्स अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, दे हैव गिवन 7π/36°, एंगल बी दे हैव गिवन 120°। हमको एंगल सी फाइंड करने का डिग्री में और डिग्री। आइए मेथड देखे ध्यान से। हम जानते हैं कि हमको ना डिग्री थोड़ा कंफर्टेबल पड़ता है, तो हम लोग पहले से रेडियन को, ये रेडियन है ना, सॉरी रेडियन के लिए सिंबल सी होता है, डिग्री के लिए डॉट जैसे। हमको इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, तो मेथड क्या है? मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 7π/36 इनटू 180 अपॉन पाई, पाई कैंसिल, 18 से करते हैं, 18 का टेबल आपको आता रहेगा, या 9 से कर लेते, चलो कोई इशू नहीं, 9, 4 times 36, 9, 2 times 18, 4, 1 time 4, तो 7 into 5 कितना आ गया? 35। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? The new ones? No, sir. अब आपने पढ़ा होगा, इन एनी ट्रायंगल एंगल का टोटल मेजरमेंट हर समय 180 डिग्री, एंगल ए कितना है? 35 डिग्री, बी कितना है? तो ऑलरेडी डिग्री में, टेंशन नहीं अपने को, 120, सी पता है, अच्छा डायरेक्ट कर लेते हैं, 180 डिग्री माइ 35 + 120 कितना होता है? एड का मॉडल वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 - 5 = 5, 25 डिग्री, 7 - 5 = 25 डिग्री। सबको समझ में आया? दिस इज 25 डिग्री, पर हमको डिग्री में तो चाहिए, बट सेम टाइम वी वांट इन रेडियन आल्सो। हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन? आपके सामने लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर लो। अब हम लोग कर सकते हैं 5 से, इफ यू वांट 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 18 - 15 = 0, 5 = 6, आंसर इज 5π/36।
एवरीवन बोलिए समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है किसी को तो बोलो। बोलिए किसी को डाउट कॉपी कर लो फटाफट। सर बोलो। सर वो जो पाई पाई आपने लिखा है ना, तो हम लोग को पाई का वैल्यू ओपन नहीं करना है ना, मतलब नहीं 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 सिक्स्थ कर रहा हूँ। एंगल ए दिया है 5π/9 रेडियन, एंगल बी दिया है 5π/18 रेडियन। अभी आप ट्राई करोगे फिर मैं हेल्प करूंगा। ए मालूम है आपको 5π/9, बी मालूम 5π/18, आप एंगल सी फाइंड करो डिग्रीज और रेडियन। कर सकते हो? यस सर। तो चलो ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं हेल्प करता हूँ। चलिए मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, 5-10 मिनट। स्टार्ट कम ऑन स्टार्ट की सर। हेलो सर। सर डन। सर डन। हेलो बोलिए स्टूडेंट। सर हो गया। एक मिनट आई थिंक रोहित डन, टीशा डन, श्रेया सेवन डन, सौम्बिन लाला डन। दिस सिस्टम हैव टू मेजर डिग्री और रेडियन बोथ। अक्षर डन। रोहित यू हैव रेज योर हैंड। बोल बेटा क्या हो गया? सर डन।
देखो सबसे पहले जोर खान आदित्य डन आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. आपने कन्वर्ट किया है पाई पाई बाय नाइन इंटू 180 अपॉन पाई किया होगा डिग्री में कन्वर्ट करना. नाइन वन टाइम नाइन बी आपको 100 आया होगा एक और बी आया होगा आपको 18 टाइम आपको 50 डिग्री आया होगा. सबको ये आया बताइए. यस सर ये तो मैं शॉर्ट में करता हूँ. ये 100 है ये 50 है तो ऑब्वियसली सी 30 आया होगा आपको है ना. तो 30 डिग्री को आपने कन्वर्ट किया है ऐसे में शॉर्ट में बता रहा हूँ और कंपैरिजन तो ये पाई बाय 6 सबको ऐसा आया. यस सर ठीक है बढ़िया. चलिए ओके कोई डिफिकल्टी नहीं ना आगे बढ़े. हाँ सर चलिए Now, come for question number 7. In a right angle triangle, suppose a right angle triangle. A, B, C. This is a right angle triangle. The acute angles, acute matlab obviously these two angles, acute angles, because in dono ka measurement less than 90 degree. The acute angles are in ratio 4:5. मतलब एंगल ए टू एंगल सी का रेशियो है 4:5. फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ऑब्वियसली एंगल बी का मेजरमेंट 90 डिग्री. फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस. मतलब हमको ये जितने भी एंगल्स फाइंड करना है और उसको डिग्रीज में तो लिखना है साथ में रेडियंस में भी लिखना. तो कैसे करना. I can say let common multiple be x. Therefore, angle A हो जाएगा 4x degrees. Angle C हो जाएगा 5x degrees. बोलो यहाँ तक समझ में आया. Yes. And triangle ABC. सर वो 4 और 5 कैसा है. वो 4 और 5 ये क्वेश्चन पार्ट में दिया हो. आपके पास सर टेक्स्ट बुक का PDF है. हेलो हाँ है मैं तुम्हें भेजता हूँ. देखो मैंने क्वेश्चन पैड तक भेजा है चेक करो देखो मिला. हाँ हाँ इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180. तो एंगल ए कितना है 4x बी 90 डिग्री सी 5 डिग्री 5 प्लस 4 प्लस 5 9x डिग्री 180 माइनस 9 180 माइनस 90 इज 90 अपॉन
मतलब एंगल ए कितना हो जाएगा, 4 × 10 मतलब 40 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है, 40 × π/1 × 0 2 × 9 × आंसर 2π/9 एंगल बी 90 डिग्री मतलब 90 × π/1 × 9 × 1 × 9 × π/2 एंगल सी 5x डिग्री सॉरी सॉरी 5x फाइन 5 × 50 × π/1 बोलो समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है तो? बोलो कोई डाउट है? नहीं सर। बड़े आगे? हाँ सर। सर एक मिनट। चलिए बढ़ो आगे। सर फॉर रेट the sum of two angles is 5π and their difference is 60 degree. देखो चेक करो इमेज में मैंने सम भेजा हुआ है ना पहले उसमें है. The sum of two angles is 5π radian and their difference is 60. कौन से ले? Let two angles be x degree and y degree. अब दो अलग अलग एंगल का सम और डिफरेंस, डिफरेंस मतलब एक ग्रेटर स्मॉल हो जाएगा तो ज़ूम कर लेते मान लो एक्स ग्रेटर है और वाई स्मॉल है ठीक है. देयरफॉर व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन दे हैव गिवन 5 पाई रेड एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री. अब गलत क्या हो जाएगा अगर मैं खाली 5 पाई लिखूंगा? क्यों? डिग्री डिग्री और इतनी रेडियन गलत हो जाएगा. कैसे लेफ्ट में डिग्री है और राइट में रेडियन ऐसा नहीं चल सकता. तो मुझे इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री? मल्टीप्लाई विद 180/π. पाई एंड पाई गए क्या आ गया एक्स डिग्री वाई डिग्री. 5 × 18 कितना 90. एक जीरो और है 900 डिग्री. स्टेटमेंट बोलो यहां तक समझ में आया? यस. अच्छा बाद में क्या बोला? डिफरेंस. डिफरेंस मतलब माइनस. हर समय ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हो. एक्स माइनस कितना 60 डिग्री. स्टेटमेंट अब क्या पूछे? अब पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स से मिला, बता सकते कैसे करेंगे आगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। तो हम बोलेंगे वन प्लस टू, ऐड करेंगे तो ये और ये कट, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, 900 प्लस 60, 960, x इज इक्वल टू 960 अपॉन 2, 1 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 8, 116, 2, 8 टाइम्स 0, क्या आंसर आया? 480, x इज इक्वल टू 480। अब फ्रॉम इक्वेशन वन x का वैल्यू 480 है, लिख दिया प्लस y, therefore y is equal to 900 minus 480, 0 minus 0 is 0, 820, 8 minus 4, 420, x कितना आ गया, 480 डिग्री, कन्वर्ट कर लेते हैं, पूछा हुआ है? नहीं पूछा ही तो कन्वर्ट क्यों करें, देखो ध्यान से देखो, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री है ना, यही पूछा है ना? यस आंसर, एंगल क्या हो जाएगा 480 डिग्री कॉमा 420 डिग्री, बस ओके, क्यों फाइंड करो रेडियस में जब पूछा ही नहीं। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नहीं The measures of the angles of a triangle are in ratio. Three is to seven is to eight. Angle A, angle B, angle C is 3 is to 7 is to 8. Students, just wait a minute. लगता है मुझे कोई issue लग रहा है यहाँ पे. Just wait a minute. Huh? आवाज आ रहा है स्टूडेंट? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, तो आइए मैं लिख देता हूँ फिर से, पता नहीं बीच में क्या होंगे, कुछ नेटवर्क का लैग होगा है ना? आइए, ट्रायंगल एबीसी, सपोज एंगल ए एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी, रेशियो दे हैव गिवन थ्री इज टू सेवन इज टू एट,
फाइंड द मेजरमेंट इन डिग्रीज एंड रेडियंस. तो मैं चाहूंगा ये सब आप करेंगे. फाइंड द मेजरमेंट इन डिग्रीज रेडियंस एंड सेकेंड. सॉरी सेकेंड नहीं, डिग्री एंड रेडियंस. सॉरी. तो क्या करेंगे बताएगा कोई बंदा, किस हम कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ. लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. बराबर राइट. लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. बराबर. फिर आप आगे बढ़ सकते हो. चलिए स्टार्ट कीजिए. वेट करता हूँ आप लोग का. आदित्य सम डन. ओके बेटा दो मिनट रुक जाओ, बाकी लोग को भी कर लेते हैं. हेलो डन. यस चलिए. ओके स्टूडेंट तो चलो बोलते जाओ मुझे एंगल ए का मेजरमेंट कितना है. हेलो 30. एंगल बी 70. एंगल सी 80. तो उसमें कन्वर्ट करो रेडियन में. तो ए कितना होएगा 5/6. B 7/5/18. और C 4/5/9. सबको आ गया. बोलिए किसी को डिफिकल्टी है तो बोलिए. सर C वाला एक बार करके देखोगे. मतलब आपको ये 80 डिग्री आया. 80 आया. 80 है वो ये आंसर नहीं आना. चलिए यू कैन हैव अ टेबल ऑफ टू. हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स. टू हाउ मेनी टाइम्स 9 टाइम्स. समझा. हेलो समझा. यस सर. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े.
हेलो स्टूडेंट, आगे बढ़े हम लोग? यस सर, यस सर. The measures of the angles of a triangle are in AP. मान लो ट्रायंगल PQR. These angles are in AP. एंगल्स AP में है, मतलब चलिए ऐसा समझ सकते हैं एंगल P हो जाएगा. आप लोग ने स्कूल डेज में पढ़ा हुआ है थ्री नंबर्स इन AP वाला लॉजिक पढ़ा है? Yes, sir. तो कॉमन सेंस बोलता है इन तीनों में से सबसे ये वाला एंगल स्मॉलेस्ट रहेगा क्योंकि माइनस डी है और ये सबसे ग्रेटेस्ट है. बोलो एग्री विद दिस पार्ट? Yes. अब क्या है, क्या कंडीशन दी है कि द ग्रेटेस्ट इज, इसमें जस्ट वेट अ मिनट, सो क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट इज, दिस ग्रेटेस्ट इज फाइव टाइम्स द स्मॉलेस्ट. बोलो ये स्टेप समझा? यस सर, यस सर. तो ए प्लस डी इज इक्वल टू फाइव ए माइनस फाइव डी. चलो क्या हो जाएगा, d प्लस फाइव डी इज इक्वल टू फाइव ए माइनस ए, देयरफॉर 6d इज इक्वल टू 4a, है ना. तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, d इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 टाइम्स a, 2 2 जा 2 3 जा, है ना. तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 अपॉन 3 टाइम्स a स्टेटमेंट. बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब हम जानते दिस बीइंग अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का टोटल मेजरमेंट हर समय 180 होता है, तो P प्लस Q प्लस R इज 180, हम ये भी जानते हैं. व्हाट इज P? A माइनस D. व्हाट इज Q? A. व्हाट इज R? A plus D is 180. Then minus D plus D gaya cancel. So A plus A plus C, 3A. 3A is 180. A is 180 upon 3. 3 one time, 60. A is 60 degree. Samajh mein aata? Yes, sir. So from 1, what is D? 2 upon 3 of 60. 3 one time. बराबर है ये? Yes, sir. So therefore, मैं यहाँ पे लिखता हूँ angle P. A minus D. So 60 minus 40. कितना? 20 degree. Q. A. What is A? 60 degree. A plus D. 60 plus 40. Kitna? 100 degree. Samajh mein aaya? Yes, sir. अब इन लोग ने एंगल डिग्री और रेडियन दोनों में पूछा है, तो उसको हम लोग को रेडियन में भी कन्वर्ट. 20 into pi by 180, 0, 0 cut, 2, 1 times, 2, 9 times, answer is pi by 9 radian. 60 into pi by 180, 0, 0 cut, 6, 1 times, 6 times, pi by 3 radians. और 100 degree क्या होगा, 100 into pi by 180,
2, 5 times n2, 90. The answer is 5 pi by 9 liter. Bolo. Everything is clear? Yes, sir. Go through kar lo, students, sab log. हेलो कॉपी हो गया बोलो तो आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर हो गया। ठीक नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 में क्या लिखा है। 11 दिस इज इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is a cyclic quadrilateral. What are the properties of cyclic quadrilateral? The sum of the is supplementary. Matlab 180 hota a plus c 180 b plus d. Here they are saying that two adjacent angles are 40 and pi by 3. Adjacent angle matlab ye le lo chalo ye aur ye adjacent. Ye 40 degree hai adjacent to aur ye hai pi by 3. Radian. Find the angles of a quadrilateral in degrees. Degrees mein find karna. एंगल ए कितना है 40 डिग्रीज अपने को डिग्री में ही चाहिए आंसर। एंगल बी कितना है पाई बाय 3 रेडियंस तो पाई बाय 3 इनटू कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्रीज में 180 अपॉन पाई 3 वन टाइम कितना आंसर आएगा 60 डिग्री बराबर। हाँ अब a प्लस c इज इक्वल टू 180 एंड b प्लस d इज आल्सो 180 रीजन चाहिए तो लिख दो अपोजिट अपोजिट एंगल्स a कितना है 40 डिग्री देखो c पता नहीं तो एंगल c कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 b 60, D पता नहीं हम कन्वर्ट भी नहीं करेंगे बिकॉज पूछा भी नहीं है 180 माइनस 60 120 बोलो समझ में आया yes, sir. Let's wait a minute. Just wait a minute. Swinja, I'm going to check my network. Just wait a minute. मुझे यहाँ पे मैसेज आया।
चलो रिताई तो हाँ स्टूडेंट जस्ट वेट हेलो आवाज आ रही है कहाँ से आवाज आ रहा है देखिए जरा ठीक है चलो स्टूडेंट आइए आगे बढ़ते हैं आई थिंक तो देखो मेरे यहाँ पे लगता है मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया है लेकिन क्या मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ तो चार्ज है तो कोई टेंशन नहीं है ब्रॉडबैंड भी बंद हो गया मैं अपना मोबाइल का नेटवर्क से मैं पढ़ा रहा हूँ ओके देखते कब तक चलता है मैं नेटवर्क फेलियर है पूरा लाइट ही नहीं है पता नहीं क्या हो गया आज कोई रहता है बोरीवली चिक्कूवाड़ी के आसपास कोई रहता है कि? नहीं सब ऑल अंधेरी बंद सर लाइट फेलियर है पर पता नहीं क्या हो गया आइए क्वेश्चन नंबर 12 वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज अ मेजरमेंट 2π/5 रेडियंस मतलब एक क्वाड्रिलेटरल नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नॉट अ साइकिल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज अ मेजरमेंट 2π/5 एक क्वाड्रिलेटरल इसका मेजरमेंट ये सपोज मान लीजिए 2π/5 रेडियंस अब क्या बोला है द अदर थ्री एंगल्स मतलब बी सी डी तो बी इज टू सी इज टू डी का मेजरमेंट कितना दिया है 2:3 रेशियो दे दिया 2:4 फाइंड ऑल एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस बोला बताएंगे क्या लॉजिक होएगा हम लोग लिखेंगे पहले लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स तो बी कितना हो जाएगा 2x डिग्री सी और डी अब जानते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है 360 ए कितना है 2π/5 वो तो नहीं चलेगा सबसे पहले 2π/5 को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं फाइव वन टाइम फाइव थ्री फिफ्टीन थर्टी सिक्स सेवेंटी थर्टी सिक्स इंटू 72 डिग्री बी कितना है 2x डिग्री सी कितना है 3x डिग्री और डी कितना है 4x बोलो आगे ट्राई करेंगे आप खुद करेंगे हाँ सर चलो कब फटाफट
आ रहा है सम आपको? यस सर। हेलो आ गया आप? हाँ सर। चलो पहले एक्स का वैल्यू कितना आया? 32। अच्छा एंगल है तो ऑलरेडी अपने को मालूम है 2π/5 रेडियन, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, डिग्री 72 डिग्री, विच इज 2π/5 रेडियन। बोलते जाओ एंगल बी कितना है? 64, 2 × 32, 64 डिग्री। और रेडियन में कितना है बोलो? अच्छा सी कितना है चलो बोलो पहले। 96 डिग्री। और डी कितना है? 128 डिग्री। चलो फटाफट कन्वर्ट करो इसको। बोलो स्टूडेंट अभी बोलते जाओ। चलो बी कितना है? बी 8π/15। सी 24π/15। हाँ 8π/15 राइट लिखा? यस। और डी 32π/45। सबको यही आ रहा है? हाँ सर। श्रेया अब क्या लिखा आपने सर? फिर वो रेशियो क्या काम है बेटा? अगर वो रेशियो नहीं रहता तो मैं ये कहां से लिखता था डेटा 2x 3x 4x? बेटा रेशियो में से तो लिखा है बेटा, मुझे कैसे मालूम? नहीं समझा। आइए आपके पास क्वेश्चन है? हाँ, सर, है ना? तो देखो पढ़ो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा टेक्स्ट बुक में पढ़ो पहले कि एक एंगल 2π/5 रेडियन है बराबर। हेलो। हाँ सर।
और बाकी तीन एंगल का रेशियो दिया 2:3:4 समझा जाता है। हाँ सर। हाँ तो हम लोग जब रेशियो दिया जाता है तो हम लोग सम्स करते हैं स्कूल डेज में, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, मैंने वो लिखा नहीं, वो अंडरस्टूड पार्ट है, तो अच्छा ही तो आप लिख लो, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 2x, एंगल सी कितना हो जाएगा 3x, एंगल डी कितना हो जाएगा 4x, अब समझ में आया। हाँ सर। तो अब मेथड समझा भी सर, फिर हमें x का वैल्यू नहीं ढूंढना है। हाँ ढूंढना है ना, वो तो मैंने ढूंढा है ना, वो तो मैंने मेथड नहीं देखा, क्योंकि आप लोगों ने सम सॉल्व किया, कैसे ढूंढा बता रहा हूँ, 2+3 5 5+4 9 9x 72 वहां पे गया, 360 - 72 तो 9x, 10 - 2 8, 15 - 7 288, तो x is 288 divided by 9, 9 से करो 9 ones है, 9, 3 - 27, 18, 2, 32, x का वैल्यू है 32। वो 360 क्यों लिया, 180 क्यों नहीं लिया? हेलो बेटा, 360 होता है। अरे इसको बोलने दो ना, उसका जो डाउट क्लियर हो ना उसको पहले प्लीज बोल बेटा, क्वाड्रिलेटरल में टोटल मेजरमेंट कितना होता है चारों एंगल्स का? 360। अब समझ में है 360 कैसा आया? हाँ सर। अब समझा पूरा? हाँ सर समझा, मैंने 180 से किया इसलिए रॉन्ग हुआ। हाँ कोई बात नहीं, अपने को ट्रायंगल समझ लिया, ट्रायंगल तो है नहीं है, ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, अभी तो चार एंगल है, तो इसलिए ऑब्वियसली 360 रहेगा। ठीक है सर, सी का रेडियन का एक बार बताओ ना, एक बार कैसे किया सी का ना, 96 × π/180 किया होगा आपने। हेलो। हाँ यस, चलो स्टार्ट करते हैं, अभी इसको थ्री से करते हैं, चलिए 3 6 18 0 थ्री से करते हैं, 3 3 9 3 2 6 अब 4 से करते हैं, 4 15 × 60 and 4 8 times, तो आंसर आ गया 8π/15। बोलो समझे? यस सर। ठीक है, और पूछो डाउट? नो डाउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, note. Of any regular polygon, is 360 degree divided by n, n मतलब number of sides, मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ क्या है ये, each exterior angle each और each interior angle is nothing but 180 degree minus एक्सटीरियर एंगल। आइए मैं किसकी बात करूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, हेक्सागन, ये अपना हो गया हेक्सागन। अगर कोई बोलता है मुझे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना, आप लोग से एक्सटीरियर मतलब क्या हो गया, देखो समझे, ये हो गया अपना एक्सटीरियर एंगल और इसका ये हो गया अपना इंटीरियर, वैसे ही ये हो गया अपना एक्सटीरियर और ये इंटीरियर, ऐसे ही ये हो गया अपना एक्सटीरियर उसका इंटीरियर, एक्सटीरियर एक्सटीरियर सब आपस में इक्वल लेंगे। अगर मुझे फाइंड करने का तो मेथड क्या है, 360 डिवाइड बाय एन,
तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, देखो कोई भी एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ साइड। अब ये हेक्सागन है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह साइड है, डिवाइड कर दिए 6, 1, 6, 60 से, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, ये कितना आ गया 60 डिग्री, ये भी कितना होएगा 60 डिग्री, ये भी कितना होएगा 60। अब मुझे इंटीरियर फाइंड करने का, अब जानते हो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो तो मैंने डायग्राम में नहीं बनाया, तो पूरा स्ट्रेट लाइन होता है पूरा, तो ये पूरा 180 होएगा। तो अगर ये 60 है तो सीधी बात ये हो जाएगा 180 माइनस 60, तो वही लिखा है मैंने। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या लिखा, 180 माइनस एक्सटीरियर विच इज 60, तो आंसर इज 120। बोलो समझ में आया लॉजिक? यस सर। ये आपने पढ़ा है स्कूल डेज में कभी, अपने लोअर क्लासेस में 7th 8th में सब पढ़ा है सर एक्सटीरियर एंगल? नहीं सर, नो सर नहीं पढ़ा। ठीक है ठीक है, तो ले तो ये नोट कॉपी कर लो, फिर आगे समझ कर। नो लाला हेलो, अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो माइक बंद कर दीजिए। हेलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक आगे बढ़े, कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। चल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है, find the degree and radial measurement of exterior and the interior angle of a regular pentagon. Now pentagon means what, how many sides? Five. So exterior angle kitna ho jayega, 360 degree divided by kitna hota hai, सोचो 5 1 7 7 35 2 72। इसको कन्वर्ट कर दो, ये तो बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं। अब इंटीरियर एंगल, वन एटी माइनस 72, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 7 0 1 0 8। चलिए यहाँ पे लिख लो अभी एक्सटीरियर 72 डिग्री, कन्वर्ट कर लेते हैं 72 इंटू पाई बाय 180। वी कैन हैव 18 का टेबल, अगर आपको मालूम आएगा तो 18 4 जा 72, 18 10 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो आंसर इज 2 पाई बाय 5, ये 2 है रेडियंस। अब इंटीरियर 108 डिग्री इंटू पाई बाय 180, सॉरी लिखा तरीका गलत, दिस इज 108 इनटू पाई बाय 180। चलिए 2 से कर सकते हैं, 290 से 25 है 24 से, 9 से कर सकते हैं 910 है 96 है, फिर 2 से 23 है 25 है, तो आंसर इज 3 पाई बाय 5 रेडियन। बोलो समझ में आया? यस सर। चलिए
अब आपको करना है सेकंड क्या है हेक्सागन, वो तो मैं आपको बता ही चुका। थर्ड क्या है सेप्टागन, हेक्सागन मतलब सिक्स, सेप्टागन मतलब मालूम है सेवन, मालूम है सेप्टागन? यस सर। और ऑक्टागन एट। तो कम ऑन फटाफट एक्सटीरियर इंटीरियर सब फाइंड करो। चलिए मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ। फर्स्ट वाले का एक्सटीरियर वापस समझाओ ना। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या, देखो यहाँ पे मैंने आपको नोट बना के दिया था, एक फॉर्मूला क्या है 360 डिग्री डिवाइड बाय एन ना, नंबर ऑफ साइड्स। हाँ सर। तो पेंटागन मतलब कितना साइड होता है उसमें, पेंटागन मतलब बताओ फाइव, तो 360 अपॉन फाइव मैंने लिखा, तो मैंने कैंसिल किया मतलब रिड्यूस किया, आता ही है रिड्यूस करना आपको? हाँ सर। तो आंसर आया 72 डिग्री। तो वो नहीं नीचे वाला इधर रेडियन, हाँ हाँ अच्छा ये कन्वर्ट किया वो वाला, तो 72 इनटू पाई बाय 180 देखो मैंने किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप 2 से कर लो, 290 है, 236 है, और 9 से 910 है, 94 है, 22 है, 25 है, 2 पाई बाय 5 समझे? हाँ सर। चलो करो फटाफट मैं टाइम देता हूँ। हेलो स्टूडेंट, आ गया आप लोग को? सर वो सेप्टागन पॉइंट में आएगा तो उसको मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं पॉइंट पे नहीं। ओके सर। देखो आपको ऐसा आ रहा है ना 51.428 आ रहा है ना? हाँ सर। तो 4-3 कर सकते हैं, 4-3 हाँ राउंड अप करके 51.43 कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल सेप्टागन में।
करो फटाफट। हेलो बोलो, हो गया तो बोलिए। हाँ यस आई विल डू द सेप्टागंस। आइए चलिए स्टूडेंट, आई एम गोइंग फॉर सेप्टागंस। हम देखो एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 डिवाइड बाय एन, राइट। कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाय एन, मतलब 360 डिवाइड बाय 7, 51.43 51.428 होता है, तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं हम लोग एक्सप्रोक्सीमेशन, तो कितना हो जाएगा 51.43 डिग्री, है ना। अच्छा इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर 128.57 बराबर 180 माइनस 51.3, ये हो जाएगा 180 माइनस 51.3 443, कितना हो रहा है 128.57 जैसा आपने बोला, ठीक है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, जो एक्सटीरियर एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 51.43 इंटू पाई बाय 180, क्या आ जाएगा 5143 100 इंटू पाई बाय 180, बराबर। अब जाता है कोई टेबल में, जाता है क्या 5143 देखो, अच्छा एक मिनट पीछे क्या किया, देखते हैं आंसर्स में लोगों ने राउंड ऑफ किया था, फिर राउंड ऑफ, वेट अ मिनट वेट अ मिनट, हम लोग उसके बदले 360 अपॉन 7 ले सकते हैं 5143 के बदले, देखो पीछे लोग मैंने भी 51.43 लिखा हुआ है और 128.57 लिखा हुआ है, 128.5 बराबर डिग्री लिखा हुआ है और रेडियन में, तो रेडियन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट रेडियन के लिए मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट, मतलब अपना मेथड राइट चल रहा है। हेलो देखो अभी अपना एक मिनट ये तो अपना राइट है, डिग्री ये भी राइट है, ये भी
अब आपको क्या करने का है, रेडियन। तो रेडियन में क्या करने का, ये ना फ्रैक्शन मत लो, सॉरी ये डेसिमल मत लो, फ्रैक्शन लो। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, देखो 360 डिवाइड बाय 7, कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 7 है, ये डिग्रीज है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 ऐसा आ जाएगा। देखो पाई बाय 180, तो 00 कट, 9 2 जा 9 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना आ गया है 2π/7 रेडियन। समझ में आया कि नहीं? मेरा टी-शर्ट ऊपर का लाइगो। हेलो हेलो, बातचीत मत करो, यहाँ पे घर का बात यहाँ पे सुनाई देता है, माइक ऑफ रखो। नाउ इंटीरियर एंगल, हेलो भूमि बेटा, समझा ये 2π/7 रेडियन कैसे आया? यस सर। अब मुझे इंटीरियर एंगल फाइंड करने का, तो मैं ये यूज नहीं करूंगा, मेरे क्या आंसर बराबर नहीं आता है। हम जानते हैं इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस एक्सटीरियर। तो अपने को तो रेडियन में बात करनी है, तो सबसे पहले 180 डिग्री को रेडियन में सोचो कैसे करना, लिखते हैं 180 इंटू पाई बाय 180, कट किया तो पाई आ जाएगा, तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा पाई माइनस 2π/7। बोलो समझ में आया? हेलो मालूम पड़ा? यस सर। इंटीरियर एंगल का नहीं समझा। देखो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर। तो अभी हम लोग रेडियन में बात करते हैं, तो 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई आएगा आंसर। 180 डिग्री को अब रेडियन में कन्वर्ट करो ना, 180 इंटू पाई बाय, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाई विद पाई बाय, तो पाई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्सटीरियर, पाई माइनस व्हाट इज एक्सटीरियर, 2π/7, ये आपको आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, पाई इंटू 7 पाई माइनस 2π/1 2π अपॉन 1 × 7 7, तो आंसर आ गया 5π/7। बोलो आप समझा? यस सर। ठीक है सर, इंटीरियर का एक बार वापस समझाना। समझता हूँ, देखो इंटीरियर का फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस एक्सटीरियर बराबर ना? हाँ सर। पर 180 यूज तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम लोग एक्सटीरियर रेडियन में लिखा हुआ है, तो 180 डिग्री को भी रेडियन में लिखना पड़ेगा। हाँ सर। तो 180 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो ओरली, कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में? 180 इनटू पाई बाय 180। हाँ, तो आंसर पाई आया। हाँ सर। तो इंटीरियर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस एक्सटीरियर, तो मैंने वही लिखा ना, पाई माइनस 2π/7। समझ में आया? हाँ सर। देखो समझा तो मैं नया पेज पे, देखो फॉर्मूला क्या, देखो समझाता हूँ, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर, ये इंटीरियर का फॉर्मूला है, लेकिन बेटा ये डिग्री में है, रेडियन में क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 2π/7 यूज कर रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल रेडियन में, तो उसको भी रेडियन में लिखना पड़ेगा ना, डिग्री में चलेगा क्या ये? हेलो, तो 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, हाउ टू कन्वर्ट, इनटू पाई बाय 180, कट किया तो आंसर आ गया पाई रेडियन, तो मैंने 180 डिग्री के बदले पाई रेडियन लिख दिया। बोलो समझा अभी? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पाई इंटू 7 7 पाई माइनस 2π × 1 2π, 1 × 7 7, पढ़ाई तो आपने, आया समझ में? बोलो। हाँ सर। बोल और क्या दिक्कत है, बोल बोल, मुझे लगा मुझे मालूम ही तो नहीं समझ में आ रही, क्या दिक्कत क्या आ रही है वो समझ, आपका अपना पूरा प्रॉब्लम बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा, ऑनलाइन है ना बेटा, इसलिए थोड़ा और बोल। समझा? ठीक है, अच्छी बात है, मुझे लगा नहीं समझे। ओके चलो, ऑक्टोगन का क्या आ रहा है, ऑक्टोगन का एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री और रेडियन पाई बाय 4। बराबर, वो तो सिंपल है, सबको आया ऑक्टोगन का? हेलो, सबको आया ऑक्टोगन का? ठीक है,
चलो आगे बढ़े सर, ऑक्टोगन ओवर करके दे। हाँ दिखाता हूँ, एक मिनट। ऑक्टोगन में एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय 8, है ना? 4 टू जा 4, 9 जा 9, 0, 2 1 जा 2, 45। आपको 45 डिग्री आया पहले ये बोलो। हाँ सर। अब इंटीरियर एंगल 180 माइनस 45, 135 डिग्री आया। हाँ सर। अब 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 45 इंटू पाई बाय 180, 59 जा 45, 53 जा 15, 36, 9 1 टाइम, 9 4 टाइम, पाई बाय 4 रेडियन। समझा? यस। 135 डिग्री को 5 से करते हैं, 5 36 टाइम्स, 5 2 जा 10, 13, 5 5 7 जा 9 से करो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय, बोलो समझा अभी? हाँ सर। बोलो किसी को डाउट है कुछ, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नोट, वेट अ मिनट, सर इंटीरियर का 3 पाई बाय 4 आया ना? हाँ। ट्वेल्व थ्री सिक्स नाइन, क्लॉक बना लो मैं, 1 2 4 5 7 8 10 11। नाउ स्टूडेंट, अब लॉजिक देखो, दो मार्किंग के बीच में जैसे 12 और 1 है, इसके बीच में सपोज अगर मैं कोई ऐसा एक स्ट्रिप रखता हूं ऐसा, तो 12 और 1 के बीच में अगर मुझे एंगल लॉजिकली बताओ, 12 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में या 2 और 3 के बीच में या 3 और 4 के बीच में, मालूम है किसी को एंगल कितना होता है? 30 डिग्री बराबर, क्योंकि 360 को 12 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करो, 360 अपॉन 12 30 डिग्री। यस। तो हम लोग ने एक क्या सीखा, फर्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मार्किंग्स इज 30 डिग्री। बोलो ये समझ में आया? दो कॉन्जिक्यूटिव मार्किंग के बीच में 30, अगर 12 और 2 के बीच में कितना आएगा फिर? 12 और 2 के बीच में 60, 12 और 3 के बीच में 90, 12 और 4 के बीच में 120, 12 और 5 के बीच में 150 बराबर। अच्छा 10 और 12 के बीच में 60 डिग्री बराबर, 12 और 8 के बीच में 120। समझा तो समझा। हेलो बेटा, आपने बोला मुझे नहीं समझा, तो आइए समझा। मैं बेटा बोला अगर यहाँ पे एक ऐसा स्टिक रखता हूँ और यहाँ पे कैसी दूसरी स्टिक रखता हूँ, तो मैं पूछा बेटा ये एंगल कितना बन। हेलो श्रेया, बोलो बेटा ये एंगल कितना, ये एंगल कितना आएगा? सोचो ना, ये पूरा 360 होता है, पढ़ा अपने स्कूल डेज में, पूरा 360 होता है। हाँ सर।
तो अभी अगर हम लोग 360 को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो अभी ऐसा समझाता हूँ, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ए नाइन, ये पूरा 360 होता है। हाँ सर। तो कितने पार्ट में इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 360 डिवाइड बाय 12 कितना होता है सोचो? 30, तो 30 डिग्री होना चाहिए, तो ये भी 30, ये भी 30, समझ में आ रहा है? हाँ सर, अभी समझ। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ तो स्टूडेंट रुक हो जाएगा, एक मिनट, किधर गया मेरा? हाँ चलो आ गए, ठीक है। अब मैं श्रेया ये बोल रहा था कि 12 और 1 के बीच में अगर एंगल बनाना है मुझे, ऐसा एंगल, तो 12 और 1 के बीच में कितना एंगल होएगा बेटा? 30 डिग्री। 12 और 2 के बीच में 60। अब समझ में आया? तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मार्किंग इज 30 डिग्री, समझ में आया? ठीक है, ओके। अब सेकंड वाला पॉइंट, मिनट हैंड, मिनट हैंड के बारे में बात करते हैं। नाउ मिनट हैंड क्या, मिनट हैंड मतलब लॉन्ग वाला हैंड, सबसे बड़ा हैंड है ना। समझ लो, अगर अभी समझो 12 बजे मान लो, तो 12 बजे रहेंगे तो मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा, 12 पे रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। अच्छा अच्छा, अगर एक बज जाएंगे, अगर 12 के बाद एक बजे, एक घंटे के बाद, तब मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा? मिनट हैंड मतलब एक घंटे में वो उसने पूरा एक चक्कर काट के आ गया, पूरा एक रोटेशन हो गया। यस, तो मतलब मिनट हैंड एक रोटेशन कितनी देर में करता है, 60 मिनट्स में, बराबर है कि नहीं? वन आवर मतलब 60 मिनट। अच्छा ये बताओ, एक रोटेशन जब मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, जब पूरा वो एक चक्कर घूमता है तो कितना एंगल ट्रेस करता है, 360 डिग्री? मतलब 60 मिनट में वो कितना एंगल बना लेता है, 360 डिग्री। तो therefore 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपको मालूम है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस अपॉन दिस, आता है ये मेथड? यस, 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्री। यहां तक समझा? यस। अब आर एंड देखो, सपोज अभी एक बजे, मान लो अभी एक बजे, दिन के एक बजे, राइट? अब आर एंड पूरा घूम के आएगा वापस, एक बजेंगे, कब, रात के एक बजेंगे? यस। तो जब रात के एक बजेंगे तो कितना देर में रात के एक बजेंगे, कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। बराबर। तो वन रोटेशन मतलब आर एंड पूरा एक घूमता है, कितनी देर में घूमता है, 12 आवर्स, बराबर है? यस सर। वन रोटेशन मतलब 12 आवर्स। अच्छा 12 आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो? यस सर। 12 × 60 कितना हो गया बताओ? 720।
अच्छा एक रोटेशन मतलब आर एंड की बात करो, एक जब पूरा एक रोटेशन घूमता है कंप्लीट रोटेशन दिन के एक से लेके रात के एक, तो कितना एंगल कवर करता है 360 डिग्री, मतलब आर एंड 720 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल बनाता है, तो एक मिनट में कितना बनाएगा मुझे नहीं पता, तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो 1 × 360 / 720। अब 36 का टेबल नहीं आता तो 9 के टेबल से करो, 9 8 4 1 4 2 कितना आ रहा है 0.5 डिग्री, सीधी बात है हाफ डिग्री है 0.5, सीधी बात है आर एंड स्लो चलता है मिनट हैंड फास्ट चलता है, तो इसलिए अगर दोनों में अगर हम रेसिंग लगाएंगे मिनट हैंड और आर एंड में एक मिनट का रेसिंग लगाएंगे तो एक मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बना लेगा 6 डिग्री और आर एंड कितना एंगल बनाएगा, तो अब मुझे बताइए हर समय आर एंड मिनट हैंड से पीछे ही रहेगा, सीधी बात है, तो बताएंगे कितना पीछे रहेगा एंगल में विद रिस्पेक्ट टू एंगल कितना पीछे रहेगा इन वन मिनट, आर एंड मिनट हैंड से कितना एंगल में पीछे रहेगा, हाउ मच एंगल 5.5। कैसे किया 5.5 माइनस, बराबर 6 − 5.5। बोलो यहां तक समझ में आया सब लोग को? Yes. अब आइए एक सम करते हैं। क्या समय देखते हैं? ये क्वेश्चन बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द आर एंड एंड द मिनट हैंड इन अ क्लॉक, क्वेश्चन नंबर 14 इन अ क्लॉक व्हेन इट इज 10 past 11 बताओ 10 past 11 को बोलो नॉर्मल 11:10 बराबर 11:10 तो 11:10 है तो मतलब आर अपना मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा 11:10 तो मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा 2 पे, 2 पे मिनट हैंड बड़ा होता है बड़ा बना दिया 2 पे और आर हैंड कहाँ पे रहेगा 11 पे रहेगा 11 थोड़ी रहेगा 11 थोड़ा सा थोड़ा सा चलो ये बना लेते हैं अंदाजे से बना कर ये अब पूछा है कि ये एंगल कितना है ये ओ ले लो ये ए ले लो और ये बी ठीक है अब कैसे फाइंड करेंगे खाली मेथड देखो ध्यान से एंगल ए ओ बी कभी भी ऐसा सम आया ना तो क्या कर देगा मिनट हैंड को पहले डिस्टर्ब मत करो आर एंड को सोचो कि आर एंड के नजदीक में कौन सा इंटीजर है इंटीजर 11 बराबर है ना तो क्या करो सबसे पहले आर एंड को समझ लो आर एंड 11 पे मान ऐसा एक मिनट बड़ा सिंपल मेथड है कुछ नहीं करना है प्लस माइनस है खाली तो नाम दे इसको ए डैश है ना आर एंड 11 पे सीधी बात है आपकी घड़ी में कभी भी ऐसा एंगल नहीं बनेगा ए डैश ओ बी कभी बन सकता है सोचो लॉजिकली हेलो कभी कभी आपकी घड़ी में ऐसा हो सकता है कि आर एंड एग्जैक्ट 11 पे है और मिनट एंड एग्जैक्ट 2 पे ऐसा हो सकता है हम लोग खाली डायग्राम बना रहे सम करने के लिए अब मुझे बताओ आर एंड अलोंग ओ डैश तक मतलब तब 11 बज रहे होंगे बराबर है हेलो थोड़ा सा लॉजिक यूज करो आर एंड अलोंग ओ डैश तक मतलब तब 11 बज रहे होंगे Yes, अब वो ओ डैश से आर एंड ओ ए वाले पोजीशन पे आ गया मतलब ब्लू से रेड पोजीशन पे आ गया ये अलोंग ये था ना आर एंड ब्लू से रेड पोजीशन पे आ गया कोई बता सकता है कितनी देर में ब्लू से रेड पे आ गया 10 मिनट बराबर 10 मिनट पहले ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया yes, जब 11 बजे मैंने क्या बोला ये जो आर एंड है ना उसको नजदीक वाले इंटीजर मतलब नजदीक वाले इंटीजर पे ले जाओ ऑब्वियसली 11 तो जब 11 बजे होंगे तब आर एंड कहां पे रहेगा अलोंग ब्लू वाला पोजीशन
नहीं समझा? 11 बजे मालूम है ना, 11 बजे आर एंड कहाँ पे रहेगा? एग्जैक्ट 11 के सामने रहेगा, बराबर? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अब मैं बोलूंगा जब 11 10 हो जाएंगे तो ये आर एंड अलोंग ब्लू लाइन के बदले अलोंग रेड लाइन पे आ जाएगा, आर एंड ऐसे घूम घूम के हाँ। हेलो, हाँ सर, हाँ। अब मुझे ये बताओ कि ब्लू अलोंग ब्लू से अलोंग रेड तक आने के लिए आर एंड को कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। 10 मिनट तो हम लोग एंगल ए ओ ए डैश फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट में आर एंड कितना एंगल बनाता है? 0.5। तो 10 मिनट में कितना बनाया तो क्या करेंगे? 10 × 0.5 हो गया। 10 × 0.5 कितना होता है? 5.10। 10 का या 5 डिग्री। बोलो समझ में आया? यस सर। 5 डिग्री, यस यस और नो, यहां तक समझ में आया ये? यस सर। अब हम लोग एंगल फाइंड करते हैं ए डैश ओ बी, ए डैश ओ बी का एंगल फाइंड करते हैं। अब ए डैश ओ बी हमने क्या बोला था? एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मार्किंग इज ऑलवेज 30 डिग्री। A dash O B 90 कैसे है? कितना हो जाएगा ये पहले? एक मार्किंग, दो मार्किंग, 30 + 30 + 30 कितना? 90 डिग्री। बोलो समझ में आया ये? हाँ सर। A dash O B क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30, 90 डिग्री, बराबर। अब मुझे बताओ A dash O A प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू ए डैश ओ बी एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ए डैश ओ ए प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू ए डैश ओ बी एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। यस। व्हाट इज ए डैश ओ ए? 5 डिग्री। ए ओ बी नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, वही तो अपना क्वेश्चन मार्क है। और ए डैश ओ बी मालूम है मुझे 90 डिग्री, तो बताओ ए ओ बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। बाद में इसको आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर देना, वो आप कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया वो इम्पोर्टेंट। देखो स्टूडेंट को क्या समझ में नहीं आता वो मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे दिक्कत आती सोचते समय, इमेजिन नहीं कर पाते ना, काफी लोग नहीं कर पाते। तो देखो दिक्कत कहां पे आती है वो बता। सबसे पहले उन लोग को ए ओ बी तो समझ में आता, काफी बच्चे बोलते सर ए डैश ओ बी ऐसा टाइम, अरे ऐसा टाइम होता नहीं कभी, हमने डायग्राम बना। फिर दूसरा ये समझ में नहीं आता ये 5 डिग्री कैसे हो गए, तो सब खुद समझो, जब 11 बजेंगे तब आर एन यहाँ पे रहेगा, 11:10 पे यहाँ पे रहेगा, तो यहां से यहां तक आने में उसको 10 मिनट लगता है, 1 मिनट में वो 0.5 बना, 10 मिनट में कितना बना, ठीक है ये समझ में आ गया। चलो उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि एंगल ए डैश ओ बी 90 कैसे? मैं बोलता हूं ए डैश ओ बी 90 क्यों? हमने क्या बोला, दो कंसेक्यूटिव मार्किंग के बीच में 30 है, तो ये कितना मार्किंग होगा? 11 से 2, एक मार्किंग, ये दो मार्किंग, ये तीन मार्किंग, तो 90 आया है। फिर एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, बोलो समझ में आया? yes, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, आपको आ जाएगा। सर रेडियन में कन्वर्ट ही नहीं करना। नहीं करना? नहीं नहीं करना। Let's wait. एक मिनट रुको बेटा।
हेलो हाँ स्टूडेंट नेटवर्क बाहर हो गड़बड़ हो गया हेलो आप लोग ने वो कॉपी किया था साउंड हाँ सर लिख दिया हाँ मेरे टेंशन मत अपने पास रिकॉर्डिंग चालू है अपने पास रिकॉर्डिंग है अगर अगर आपने कॉपी किया था किसी ने कॉपी किया है ना हाँ सर ठीक है अगर नहीं कॉपी किया तो मैं लिंक भेज दूंगा उसमें देख चल आई थिंक थोड़ा सा एरर आ रहा है मेरे टाइमिंग का मतलब ये इसका पावर सप्लाई का बार बार गड़बड़ हो रहा है चल मैं तीन चार मिनट पहले आप लोगों को मैं पैकअप कर देता हूँ ठीक है ओके ओके सर हाँ तो एक बार आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ हेलो एक मैं फोन करता हूँ हेलो हाँ बेटा रुक जाना बार बार वो इलेक्ट्रिसिटी वाले को फोन आपको मैं होमवर्क देता हूँ बेटा होमवर्क तो वैसे फिलहाल कुछ नहीं है टेस्ट में अभी उसे खाना बाकी है कोई बात नहीं है आप जितना मैंने पढ़ा है वो रिवाइज कर ओके ओके सर